हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको मैसेंजर पर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, यहां पे आप देख सकते हैं दिस अकाउंट इज़ आल्सो लॉग इन इन टू फेसबुक ऑन दिस डिवाइस, यू विल नीड टू लॉग आउट ऑफ दिस डिवाइस अकाउंट ऑन फेसबुक टू रिमूव द अकाउंट। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है अपने मैसेंजर में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि हर एक मोबाइल में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट्स एंड SYNC, ये साइनिस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फेसबुक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके दो अकाउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आपको क्या करना है, जो भी अकाउंट्स हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मोर पे क्लिक कर देना है, रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से रिमूव अकाउंट कर देना है। यहाँ पे दूसरा अकाउंट है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना है। पहले आप, अगर आपके एक दो अकाउंट लॉगिन होते हैं तो आपको यहाँ पे पहले इसको लॉग आउट कर देना है। यहाँ पे यहाँ से रिमूव अकाउंट कर देना है। रिमूव अकाउंट जैसे ही आप कर देंगे, फिर आपको फेसबुक में यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके अकाउंट्स हैं वो रिमूव नहीं हो रहे थे, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना है। मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके डिवाइस के इंस्टॉल एप्लीकेशन जितने भी होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैसेंजर को ढूंढ लेना है या फिर आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर मैं मैसेंजर को ढूंढ लेता हूँ। तो मैसेंजर को ढूंढने के बाद यहाँ पर मैं मैसेंजर को ढूंढ लेता हूँ और मैसेंजर को ढूंढने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर जाना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर मैसेंजर का ऑल डाटा यहाँ पर जो है वो डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको फिर से मैसेंजर में जाना है और अपने अकाउंट्स को लॉगिन करके देखना है। तो अब आपको अपने मैसेंजर में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो अकाउंट्स लॉगआउट नहीं हो रहे थे, वो जो अकाउंट्स हैं वो लॉगआउट हो जाएंगे आसानी से और ये एरर अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ।